परीक्षा आयोजित कराई और जो प्राथमिक वाले पीआरटी वाले जब निकल के आए तो लोगों ने हल्ला करना शुरू किया कि ये परीक्षा तो ऑफिसर्स के लिए है, ये परीक्षा तो टीचर्स के लिए नहीं है, फिर सरकार की नियत ही नहीं है नियुक्ति करने की, ये सब बातें हुई। उसके बाद जब हम लोग ओएमआर शीट नहीं अपलोड कर रहे थे तो लोगों ने उसके लिए मांग करना शुरू किया कि ओएमआर शीट क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। जब ये बताया गया कि कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर में अपना रोल नंबर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बुकलेट सीरीज़ गलत लिखा है, उसके हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब उस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि आप लोग ओएमआर में करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और तरह तरह की शिकायत होने लगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर भी लोगों ने कहना शुरू किया कि क्यों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम में तो लोग कह ही रहे थे कि जब परीक्षा फल ही नहीं देंगे तो परीक्षा कराने का क्या मतलब है, बाराती और दूल्हा की बात भी कह रहे थे। और इन सभी जो ऑब्स्टेकल्स थे, रुकावट थी, उसको दरकिनार करते हुए जब हम लोगों ने परीक्षा संपन्न करा लिया, तब उसके बाद परीक्षा जब सब साफ सुथरे तरीके से हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इस हद तक बढ़ गई कि लोग अब ये भी मांग करने लगे कि सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो कहने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो, वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है। या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5% अतिरिक्त रिलैक्सेशन की बात करने लगे। उसके बाद अभ्यर्थी हजार गलतियां करें, सर्टिफिकेट्स में तरह तरह की गलती करें, बोले कि मेरा से तो यह गलती हो गया, मुझसे यह गलती हो गया, मुझे और मौका मिले। और इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से ये अपेक्षा करने लगे कि हम तो टाइमली रिजल्ट दे दें और अगर हमें विलंब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम ओएमआर में विलंब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों लेकिन हम अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए तो सरकार भी पीछे क्यों रहती, तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिजल्ट के साथ साथ जिला भी आवंटित कर दें। अब आप देखें कि हमारे काम कितने बढ़ गए और ये सभी काम हमें बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई त्रुटि के फुल प्रूफ तरीके से करना है, ये छोटी बात नहीं है। ये आयोग के पूरे टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर टीआरई के हैं शर्मा जी, आयोग के सचिव हैं, अब तमाम जो पीछे में जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो पीछे में तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, ये एक तरह से इतिहास इन लोगों ने बनाया। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक इतिहास बना है। परीक्षा हमारी संपन्न हुई 24, 25, 26 अगस्त को और अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 60 दिन भी अभी नहीं हुए हैं, और हम लोगों ने 43 पेपर विषय उसका परीक्षा फल बना लिया है और सभी कैंडिडेट्स को हम लोगों को जिला भी आवंटित करना था, x38 कर दीजिए तो हर जिला के लिए भी हम लोगों ने सूची बना लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने परीक्षा फल घोषित हुए हैं सब में जिला भी हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 43 प्रश्न अगर विषय अगर मान लें, उसको ही मान लें, तो एक दिन भी अगर एक पर लगाएं अगर तो इससे अधिक कितना फास्ट हो सकता है। दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए हैं, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात जो लोग कहते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ को 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं और
उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही एक दो तीन ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में, एक दो विषय को छोड़ करके, एक दो मामले को छोड़ करके, किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं, और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की बानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग के नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है। और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिजल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11, 12 एंड 9, 10 का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय हज़ार तरह की गलतियां कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियां हुए, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया। और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जाँच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं। और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एक लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया, उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं,
डिसेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है, तो वो बेशक अपलोड कर दें, अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया है। क्योंकि यही बाद में 10 साल 20 साल जब भी खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। यह रिज़ल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिज़ल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419, टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा, अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं, 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से, तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ सौ है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी। बिल्कुल देंगे, जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहा रिजल्ट प्राइमरी का सर? हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा, पोर्टल पर आ जाएगा, सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। ना वाटर मार्क को लेकर
तो अब उसका मतलब समझ वाटरमार्क को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे थे, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहाँ पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए हैं, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल, सर योग्य अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी कमी है बिहार में? देखिए जो सीट खाली रह जाती है, या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th, 10th, 11th, 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, BEd की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11th 12th भी क्लियर कर लिया और 9th 10th भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर सिर्फ अगर उसको 11th 12th में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट और 9th 10th में नहीं करेंगे, और कहीं वो 11th 12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया तो वो बाहर हो जाएगा, और अगर हम 9th 10th में उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है, जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th 12th में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9th 10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11th 12th में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है, 9th 10th में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े, 9th 10th या 11th 12th जिसका भी छोड़ना पड़े, तो उसके कारण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो दूसरा, तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सर एक सवाल है, तो एक मिनट में सब कंप्लीट कर लूँ। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी, तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छंट जाएगा तो छंट जाएगा, और हमारे पास तो सभी का मेरिट लिस्ट है। अगर सरकार अगर कहेगी कि इसी बार में मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाए वेटिंग लिस्ट पर करके, तो हम लोग दे देंगे। अगर सरकार बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं, हम लोग अगले बार में ले जाएंगे इसको, तो अगले बार में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है जो आप लोग पूछ रहे हैं, यह प्रश्न फिर सरकार से आपको। सर योग्यता पर आपने अभी पहले ही कहा कि बिहार के जो छात्र हैं वो जो काफी प्रतिभाशाली हैं, या आपको क्या लग रहा है कि सीटों की तुलना में अभ्यर्थी ही कम थे, या फिर हम पूछ रहे हैं कि क्या योग्यता पर भी आपको लग रहा है? सर वो चार विषय का जो जिक्र किया वो विषय का बता देते हैं। देखिए सभी अभ्यर्थी प्रतिभाशाली रहे, जो सफल हैं कम से कम वो तो प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमको हमें क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की विशेष जरूरत नहीं पड़ी। दो तीन विषय हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें ज़्यादा नहीं, एक दो नंबर बोनस देना पड़ा, उससे अधिक नहीं फर्क पड़ा।
इसलिए ये कहना कि हम लोगों ने क्वालिफाइंग को कट ऑफ को काफ़ी रिलैक्स किया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है, अनुभवी है और काफ़ी मतलब मेहनती भी हैं, क्योंकि वाकई में जो प्रश्न थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के थे, लेकिन वो प्रश्न जो परीक्षा के उस प्रेशर में, उस माहौल में जो लोग देते हैं, वाकई में वो एक कठिन थे। सर, ये जो पास थ्री वेरीफाइड हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका रिजल्ट आपने दिया है या उसको नहीं दिया है? जो हमने सबको दिया है पार्शियली वेरीफाइड को, देखिए हमें, हमने अभ्यर्थियों के हित में जो मामले पार्शियली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया, और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया, लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है उसको हम लोग नहीं छांटे, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है, और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला है वो सशर्त निकाला है। बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी है, और वो आप जब जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ बातें जो है हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से आप पूछें, क्योंकि आप ज़्यादा परीक्षा की ज़्यादा डिटेल्स में आप पूछ रहे हैं। शायद अपना अपलोड नहीं किया, और उनका उनका हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी छटनी होगी जब ज्वाइनिंग के समय में जब जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस स्टेज पर उनकी छटनी हो जाएगी। जहाँ तक सीटेट वाले 5% का जो दावा कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन का, वो दावा मेरे लिए नहीं है, वो दावा अगर सरकार अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है, वो दावा मेरे लिए नहीं। जो सीट बच रही है अभी, क्या अगला जो फेज भी आ, ये भी प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि ये प्रश्न सरकार से आप करें। ये स्थापित है, ये स्थापित अभी तो बता दिए सर, एक ही प्रश्न को बार बार नहीं। सर, उसमें बाहर जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि मेरा 55-60 नंबर इंग्लिश में बन रहा है, वो एमआर लेके आएंगे, जबकि न्यूनतम अर्हता जो है वो 39-40 बनना चाहिए, तो उससे मैं ज्यादा फिर मैं प्रेशर क्यों नहीं ले। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है ना, जब इस चीज को तो जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे इसका प्रश्न, जो ये प्रश्न कर रहे हैं इसका जवाब तो हम लोग जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे संभव नहीं है। देखिए आपने इसका, आपका ये प्रिजम्पशन है कि जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ को हो जाए वो कम्पीट कर जाए। ये प्रिजम्पशन गलत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभ्यर्थी प्रतिभाशाली हैं, कट ऑफ जारी होगा, अभी पहले रिजल्ट पब्लिश हो जाने दीजिए, उसके बाद कट ऑफ। एक और चीज पहल हो जाता, जो हम देख रहे हैं मेरिट में सीरियल 1 सीरियल 2 करके, जहां तक मुझे लगता है वो टॉपर ही है, ये टॉपर लिस्ट है, कुछ अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बन जाता सर, क्या होता हम लोग टॉपर को भी ये करते, मान लीजिए नियोजित टीचर अगर टॉप कर गए, कल जैसे खबर आई है मेरे पास नियोजित टीचर टॉप कर गए, तो एक तो ये होगा सर मॉडल के रूप में थोड़ा नहीं कर सकते। इसमें कहना चाहेंगे कि ये जो हम रिजल्ट दिए हैं ये अभी प्रोविजनल रिजल्ट है, सर्टिफिकेट जांच के बाद ऑथेंटिकेट होगा, देन तब होगा कि वो टॉपर कहलाएगा। ऐसे तो आपके डेट में सशर्त है, साफ साफ लिखा हुआ है सशर्त है। एक जो 8 साल का कल सर रिजल्ट जारी किए हैं इसमें सरकार की जो चिट्ठी है उसमें प्रावधान किया गया है कि ईडब्ल्यूएस में जो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा नहीं, जो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे वो बचेंगे नहीं,
उसको हमको ओपन रहेगा फॉर ऑल कैटेगरी, मतलब 01 में हम उसको ले जाएंगे, और जो मेरिट से आएगा, जैसे आपने देखा मेरिट में वो पासवान अगर होंगे तो 01 में आए होंगे, तो वो सीट के अतिरिक्त वो वहाँ से भरा गया है, उसमें 01 भी आ सकता है, EW है, ये 02 भी आ सकते हैं, 03 भी, 04, 05 कोई भी आ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल है वो। किस जो मेरिट में आएंगे वो आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।